देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान, मैं हूं मनोज पांडे। कोरोना महामारी के चलते जहां आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गई है, तो वहीं लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला कोंडागांव के जल संसाधन विभाग में हुए भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अधिकारियों द्वारा सरकारी रिकॉर्ड को ही जला दिया गया है, और लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही तक नहीं की गई है। आइए देखते हैं इस भ्रष्ट अधिकारी के दुस्साहस पर एक रिपोर्ट। अपना नाम बताइएगा सर और पद। मैं आरबी सिंह, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग। जी साहब, विगत कुछ दिनों पहले आपके यहाँ के SDO द्वारा आपके विभाग में जो है विभागीय समय पर कार्यालयीन कागजातों को जलाने का वीडियो सामने आया था, और महिला द्वारा अभद्रता, महिला के प्रति अभद्रता का वीडियो भी आया था। तो ये जो आग लगाने की घटना हुई, जो शासकीय कागजों में आग लगाया, इस पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी है? उसका वीडियो कर्मचारी ने बनाया था, वो वीडियो भी मेरे पास है, और मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी, और इसके बाद लिखित में भी वरिष्ठ अधिकारी को मैंने कार्रवाई की है ना, और वरिष्ठ अधिकारी से अभी कोई निर्देश मेरे को आगे पर नहीं मिला है, लेकिन उस पर कार्रवाई मेरे द्वारा की गई। सर, इस पे तो FIR करवानी चाहिए थे आपको, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी जब तक हमको निर्देश नहीं देगा, है ना। वरिष्ठ कौन? वरिष्ठ अधिकारी? वरिष्ठ अधिकारी हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय। तो जब तक वो, क्या शुभ नाम है? श्री शेख साखिर जी। अच्छा, जब तक उनके द्वारा हमें कोई निर्देश न मिले, वो उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, ऐसा है क्या? भाई उनके द्वारा हमें कोई निर्देश नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, और ऐसा अगर निर्देश मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, वैसे इस पे क्या कार्रवाई तक होनी चाहिए, कुछ आप ऐसी बता सकते हैं कि कार्यालयीन कागजों को जलाने का क्या कार्रवाई, इस पे किस प्रकार की कार्रवाई? वैसे कार्यालयीन कार बगैर कार्यपालन अभियंता की अनुमति के, है ना, SDO को जलाने का ऐसा मतलब वो अधिकार नहीं है। अधिकार शासकीय रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है, बगैर उसकी सूची बनाए जलाना गलत है, उस पर कार्रवाई नहीं। तो इस पे आपने पुलिस में कोई सूचना दी है? पुलिस में इस बारे में अभी कोई सूचना इसलिए नहीं दी कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन मांगा है, तो उन्हें अभी तक कोई ऐसा स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया। ओके, इस कारण अभी जो है कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठीक ठीक, धन्यवाद। कि मैंने बताया चल गया है बोलकर यहाँ पूरे स्टाफ देखे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, कब फोन किया, और अभी आप पेपर देने के लिए आपने बोला कि पहले एक लेटर बनाइए, ये मेरे को सुना रहे हैं। क्या वीडियो क्या करेंगे सर? मैं लिख कर दे दूंगी सर, मेरे को नहीं करना काम, मेरे को यहाँ पर दुनिया भर का नहीं सुनना है, हमारी गलती थोड़ी है सर। तो आगे तो बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे हैं क्या मैडम? आपको अगर कोई पावती लेके कोई ये जा रही है तो क्या ये वहाँ इंटरफेयर करेगा क्या? कोई डिवीजन चलाते आता है कि नहीं आता है उसको? अकल है उसको? ABCD तो मालूम नहीं है कोई चीज की। मैंने लगा दिया, उसको बाप ने सेंक्शन करवाया, सेंक्शन कर खाएगा पैसा, वो चेक कटेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा? अरे डा खाओ बुक नंबर, सेल्स नंबर, क्या क्या है भाई? नहीं आए है रखा हमारे जहाँ देना है दे दो। अरे ये सब बाउचर लोग है भाई।
मरोगे यहाँ आठ लोग। मेन बिल है आओ भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो अधिकारी बोलेगा वो करना पड़ेगा। एस्टीमेट भी है कितना?